नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात टाइमलेस ब्यूटी के साथ ही बेहतरीन डांसर और परफॉर्मर की होती है, तो उसमें सबसे पहले जो नाम किसी के भी दिमाग में आता है वो है माधुरी दीक्षित का। जी हाँ, माधुरी इन दिनों डांस रियलिटी शो डांस दीवानी को जज कर रही हैं और इस दौरान माधुरी नजर आई बेहद अलग अवतार में। जल्द ही करण जौहर की आने वाली फिल्म कलंक में नजर आने वाली माधुरी दीक्षित ने डांस दीवानी के सेट पर गुजरे जमाने की बेहतरीन अदाकारा मधुबाला के आइकॉनिक लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की। फिल्म मुगले आजम के गाने मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे के गाने में मधुबाला का जो लुक था, माधुरी ने उसे ही रिक्रिएट करने की कोशिश की है और यकीन मानिए वो इस कोशिश में पूरी तरह से सफल रही है। माधुरी के लिए इस खूबसूरत लहंगे को जहां मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था, वहीं माधुरी को ओवरऑल स्टाइल किया था सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट तानिया गावरी ने। माधुरी के इस लुक की सबसे बड़ी खासियत है उनका ये हैवी मांगटीका। माधुरी दीक्षित को इस लुक में देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाएगा। माधुरी ने ऑरेंज कलर के लहंगे को क्रिम्सन कलर की ब्लाउज और येलो कलर के दुपट्टे के साथ पहना है। साथ ही अपनी देसी लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।